अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सिस्टर्स कैफ़े का ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, पेरेंटिंग सीरीज़ जो पिछले वीक हमने स्टार्ट की, और आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है कि ये पेरेंटिंग सीरीज़ जो है आज की ज़रूरत भी है। सोसाइटी में भी हम हर तरफ देखते हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, तो हम देखते हैं कि नए बनने वाले पेरेंट्स जो हैं और जिनके बच्चे कुछ बड़े हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं लाइफ के अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप बनने के बाद जब हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे होते हैं, उसमें परेशानियाँ और मुश्किलात जो हैं हमें डिप्रेस कर देती हैं, कभी हम मायूस भी हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ये सारे मसाइल हमारे अपने ही साथ हैं। लेकिन जब इर्द गिर्द देखें और लोगों से डिस्कस करें तो अंदाज़ा होता है कि पेरेंटिंग के इशूज़ जो हैं वो सबके सिमिलर ही होते हैं, लेकिन कहीं पर जो है वो सब्र और सुकून के साथ उस चीज़ को डील किया जा रहा होता है, कहीं पर जो है हम देखते हैं कि बेसब्री का मुजाहरा किया जा रहा होता है। लेकिन इन सारी बातों को देखते हुए अगर हम एक पॉजिटिव अप्रोच रखें और ये सोचें कि पेरेंटिंग जो है वो ऐसी जर्नी है कि जिसमें कोई एंड नहीं है लर्निंग का, हमेशा हम सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और अगर हम अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखें और दुआ साथ साथ करते जाएँ कि हम बहैसियत माँ बाप जिस ज़िम्मेदारी को हमने उठाया है और अपने बच्चों को हम चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके वो कामयाब इंसान बने, कामयाब शहरी बने, तो उसके लिए दुआ सबसे बेहतरीन ज़रिया है। हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम में पिछले वीक भी हमने बात की कि पेरेंट्स बनने के बाद क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इश्यूज़ कौन से होते हैं, मसाइल कौन से होते हैं जिनको हम फेस करते हैं, और हमने उस प्रोग्राम को यहीं पर जो है एंड किया था लास्ट टाइम के इश्यूज़ जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। मुख्तलिफ चैलेंज आज एक है और कल दूसरा हमारे सामने आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिविटी ये है कि हम जो हैं इस चीज़ को समझें कि टेस्ट इंसान की लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें बेहतर बनाते हैं, हमें जो है वो अगर हम एक टेस्ट से गुजर के दूसरे टेस्ट तक पहुँचते हैं तो उसमें हमारी बहुत लर्निंग भी होती है। इस बात पर हमने लास्ट वीक जो है अपने शो को एंड किया और आज हम यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे कि उन बच्चों को जिनको हम फ्यूचर में कामयाब देखना चाहते हैं, उनके साथ हमारी उनकी जो डेवलपमेंट है उसमें हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनकी डेवलपमेंट के क्या मराहिल हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी कॉल करेंगे, हमारे साथ शामिल होंगे। लास्ट टाइम बड़ी तादाद में कॉल्स आई और जिससे अंदाज़ा हुआ कि ये इशू ऐसा इशू है कि चाहे आप ख़ुद माँ बाप हैं या आप नानी नाना या दादी दादा हैं, हर स्टेज में या हर हैसियत में आपको इससे दिलचस्पी है और आप चाहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो बच्चे नज़र आते हैं आप ख़ुद उनकी हेल्प कर सकें या लोगों को गाइड कर सकें कि बच्चों की डेवलपमेंट में उनकी मदद कैसे की जा सकती है। कॉल कीजिएगा और अपना जो भी ओपिनियन है वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। हमारे साथ नाज़रीन यहाँ शो में आज हमारे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मारिया शाजर, आप फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई हैं, टीच भी करती हैं आप और साथ में जो है एक मम की हैसियत में यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद है कि हम मिलकर इस शो में बात कर सकेंगे। पेरेंट ट्रेनर के तौर पर उमैमा रज़ी, आप यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उमैमा। बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ मौजूद हैं और आज आप भी हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकेंगी कि जब ट्रेनिंग आप लोग लेते हैं और पेरेंट्स को गाइड करने के लिए तो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो आप टिप्स हैं या जो हेल्पिंग टेक्निक्स हैं वो आप पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो हम बात शुरू करेंगे जिससे हमने लास्ट टाइम बात ख़त्म की थी कि पॉजिटिविटी है इस बात में ना, कि लर्निंग हमेशा जारी रहती है, क्या बच्चे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं या हम सबसे ही एक एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, क्या समझते हैं आप? मुझे एमन पर्सनली, तो मेरा अपना जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 बच्चों के साथ जी। तो सबकी डेवलपमेंट डिफरेंट है ना, एनवायरनमेंट बेशक एक सेम ही है लेकिन डेवलपमेंट स्टेजेस थोड़ा ऊपर नीचे होंगे, लेकिन वैसे एज अ पर्सन पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट है तीनों की। तो इसलिए ये बात तो बहुत साबित भी है कि बेशक एक एनवायरनमेंट हो लेकिन उसमें बच्चे डिफरेंट तरह से डेवलप होते हैं ना, तो ये चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ एक तो कंपटीशन में ना डालें और सबको एक ही बॉक्स में आप फिट नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, लास्ट टाइम एक सवाल था जो किसी ने पूछा और फिर हमने डॉक्टर कंवल से भी पूछा कि अगर हम खुद बड़े कामयाब हों और हम जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से हमारी डेवलपमेंट भी हुई हो और पेरेंट्स ने भी हेल्प की हो, लेकिन हम अपने बच्चों को भी फिर वैसे ही देखना चाहते हैं और अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं और
हम सोचते हैं हम जैसे हैं वैसे हमारे बच्चे क्यों नहीं हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या ज़रूरी है कि जो हम चाह रहे हैं वैसा का वैसा ही हमारा बच्चा एक प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आ जाए? असल में अहमद, मुझे ये लगता है कि हम एक माइंडसेट के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और हमने एक फ्रेम जो है वो अपनी ज़िंदगी में बना लिया होता है जिसमें हम अपने बच्चों को फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. अगर हम खुद बहुत कॉन्फिडेंट हैं, या इवन अगर हम खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं भी हैं, स्टिल हर बच्चे, हर पेरेंट्स की जो है वो ये ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो, वो सोसाइटी में जाए तो उसका वो अपनी एक ख़ास पहचान रखे, अलग से पहचान आ जाए. हर पेरेंट्स की जो है ये भी ख्वाहिश होती है. लेकिन बाज़ुकात ऐसे हो जाता है, ऐसे सिनेरियोज़ बन जाते हैं कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बच्चों से रखनी शुरू कर देते हैं. तो इन केसेस में हमें देखना चाहिए कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ के ऊपर जो है वो गौर करना चाहिए कि बच्चे से किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखनी है और किस एज पे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है. तो उस लिहाज से हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं बच्चों को डिफरेंट एजेस के अंदर कि किस एज के अंदर हमने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करना है और वो हमें क्या आउटकम देगा. फिर अगर हम इस बात पे ये पेरेंट बिलीव करते हैं कि एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न डिफरेंट, तो इस बात को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि अगर एक बच्चा है, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट से बात करें, कुछ बच्चे हैं कि जो कि 8 महीने की उम्र में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो 1.5 साल की उम्र में भी नहीं चल पाते. तो इसी तरह बाकी बच्चों की जो डेवलपमेंट्स हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं बच्चों के अंदर, उनकी मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्लस उनके अंदर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो हर बच्चा इन सब स्टेजेस से गुजरता है. लेकिन हर बच्चे के अंदर इन स्टेजेस से गुजरने का अमल डिफरेंट होता है, और फिर उसको डिफरेंट तरीके से ही डील करने की ज़रूरत है. और पेरेंट्स को खुद से इस चीज़ को पहले लर्न करना चाहिए अपने बच्चे के बिहेवियर्स को, और फिर अकॉर्डिंगली जो है वो उसको एड्रेस करना. आपने बहुत अच्छी बात कही. अच्छा, मैं ये समझना चाहूँगी कि हम भी पेरेंट ही हैं जो यहाँ पे बैठे हैं और बात करें. डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना पेरेंट्स की, जो हम भी हो सकता है उसमें से किसी कैटेगरी में फिट हो जाते हो. सपोर्टिव हैं या बहुत कंट्रोलिंग हैं. तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इस ये जो टर्म्स हैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन आप करना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होता है पेरेंट्स का? बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग तो ये होता है कि आप बच्चे को एम्पावर नहीं कर रहे ना. बच्चों की जैसे आप खुद चाहते हैं कि आप एम्पावर हों, आप डिसीजन मेकिंग आप खुद करें, इस तरह अगर आप बच्चे को ये एबिलिटी नहीं दे रहे, या आप जैसे मारिया ने कहा कि एक्सपेक्टेशन आपकी ज़्यादा है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है ना, तो आप चाहते हैं कि हर चीज़ आपकी मर्जी से हो, आप उसको जैसे मतलब उसको चलाएं, ठीक है ना, आप किसी और को वो ही नहीं दे रहे, इख्तियार ही नहीं दे रहे कि वो अपने आप को एम्पावर कर सके, है ना. जाहिर है जब हम किसी बच्चे को एम्पावर करते हैं उसमें गलतियाँ होने की गुंजाइश होती है. तो अगर आप बहुत डरे हुए हैं कि आप ये चीज़ नहीं करना चाह रहे, तो आपको जो है वो कंट्रोलिंग का टर्म यूज़ होता है उन पेरेंट्स अच्छा, के लिए. अगर आप ये एक्सप्लेन करना चाहें कि कंट्रोलिंग बिहेवियर जो हमारा हो जाता है, क्या हमने भी यही कुछ एक्सपीरियंस करके आगे आए होते हैं? मे बी कि हमने उसी उससे गुजरे एक्सपीरियंस से, तो हम चाहें कि हम भी इतने कंट्रोलिंग हो. बहुत मुमकिन है कि हमने भी वही एक्सपीरियंस किया है अपने पास्ट में, जब हम बच्चे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें उसी तरीके से ट्रीट किया है. या अगर हम नॉर्मल सोसाइटी में देखें तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही यही है मोस्टली हमारे यहाँ, यही पाया जाता है कि बच्चों को डरा धमका के, उनको खौफजदा करके उनसे बात मनवा ली जाए. तो अब ये चीज़ें देखें, और दूसरा बिहेवियर जो है वो हेल्पफुल बिहेवियर है, जो अब सोसाइटी में अब पेरेंट्स लर्न कर रहे हैं इस चीज़ को कि हेल्पफुल होना बच्चे को ज़्यादा अच्छा ग्रूम करता है, उसको ज़्यादा हेल्प आउट करता है. बच्चा खुद अपने लिए जो है वो सोल्यूशंस फाइंड आउट करता है कि मुझे, मेरे पर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो मुझे उसको कैसे जो है वो उससे निकलना है प्रॉब्लम से. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही होती हैं. इनको साइकोलॉजी की टर्म में कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर्स, वो बिहेवियर्स जो कि इंसान ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखे होते हैं. तो चूंकि हमने देखा होता है, और अक्सर हम लोग अपने पेरेंट्स को मोस्टली एडमायर कर रहे होते हैं कि पता नहीं उन्होंने हमारी तरबियत कैसे इतनी अच्छी कर ली, हमें एट टाइम्स बहुत मुश्किल पेश आ रही होती है और हम समझते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे आजकल के माहौल को देख के. लेकिन चैलेंजेस उनके लिए भी उतने ही थे जितने हमारे पास हैं आजकल की सोसाइटी में. उनकी अकसाम मुख्तलिफ हो सकती हैं, उनकी शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो भी उन्हीं तरीकों से गुजर के आए हैं. एक चीज़ जो नोटिस करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, कि इट डजेंट मैटर कि अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ बिहेवियर में या हमारी अपब्रिंगिंग में कोई मिस्टेक हम समझते हैं कि हो गई है, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, और हम वो चीज़ हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आगे एक जो है वो प्रैक्टिस ना करें. बिल्कुल. अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि कंट्रोलिंग हो या हेल्पफुल हो, अगर तो कंट्रोलिंग नहीं होंगे तो लोग कहते हैं कि फिर डिसिप्लिन कैसे रह पाएगा. जैसे अगर छोटी सी एक एग्जाम्पल दें कि बच्चा कोई
कुछ करना चाह रहा है, कोई एक्टिविटी करना चाह रहा है, लेकिन हमें पता है कि उससे मैस हो जाएगा और घर जो है वो थोड़ा फैल जाएगा, तो हम उसको कहते हैं कि नहीं तुमने बस ऐसे करना है ना जैसे मैं बता रही हूँ. तो लोग कहते हैं कि फिर डिसिप्लिन कैसे बरकरार रखें अगर हम कंट्रोलिंग ना बने तो. एक तो ये कि बच्चों को पहले से ये बात बताओ कि उनकी बाउंड्रीज क्या है ना. जी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन होना हर रिलेशनशिप में बिल्कुल, और ख़ास तौर पे जब आप बच्चों से डील कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है ना. जी. जैसे मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहूँगी, स्कूल का तो एक चले डिफरेंट माहौल होता है, लेकिन वहाँ पे भी जैसे बाउंड्रीज़ आपकी बिल्कुल सेट होती हैं. ठीक है, पहले आप बच्चों को एक्सप्लेन कर दें कि अगर जैसे आपने कहा कोई एक्टिविटी हम करना चाह रहे हैं बच्चे, तो आप उनसे कह दें भाई कि मैं सिर्फ यहाँ तक महदूद रहेगा. ठीक है ना, आप ख़ुद टाइडी अप करें. ठीक है ना, आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और जो है जो भी उस चीज़ के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको आपने सही करना है. तो इस तरह से बच्चे एक तो एम्पावरमेंट ज़ाहिर है उनके पास आती है कि हम अच्छा डिसीजन हम मेक कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं ना, और हर चीज़ का उनको कॉन्सिक्वेंसेज का भी अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम ये इसको इस तरह से करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होंगे ना. नेगेटिव टर्म में नहीं, लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है. और इसी तरह आप इसके ये इतना हेल्पफुल होगा कि आगे जाके ज़िंदगी में जब भी वो कोई चॉइसेस मेक करेंगे ना तो उनको अंदाज़ा होगा कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते बिल्कुल. हैं. बिल्कुल. अच्छा यहाँ पर हम चूँकि बात करें, नाज़रीन मैं एक्सप्लेन भी करती जाऊँ कि यहाँ पर हम बात करें, बच्चा एक साल का होता है, टॉडलर्स होते हैं, उसके बाद जो है वो 10-12 साल तक बच्चे जो हैं वो सीखने के एक प्रोसेस में होते हैं, हमारे साथ होते हैं, करीब ज़्यादा होते हैं, हम सिखा सकते हैं उनको, कंट्रोल भी कुछ ना कुछ ऐसे कर सकते हैं कि हम उनको सिखाने के टर्म में. हम इस एज के बच्चों की यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप भी कॉल कर सकते हैं, आप भी शेयर कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं या आप कोई इशूज़ ऐसे हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है और हम आपकी कॉल का इंतज़ार करेंगे. अच्छा मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं बच्चों के उसको भी देख लें ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकें कि पेरेंट्स जो हैं वो जब जानते होंगे कि बच्चे किन किन स्टेजेस से गुजर रहे हैं या कौन कौन से तरीके होते हैं, तो उससे उनको समझने में आसानी होगी कि हेल्प कैसे की जा सकती है. जी डेवलपमेंट की स्टेजेस अगर हम देखें पैदाइश से बाद से लेकर 10 साल की उम्र तक के बच्चों में, तो पैदाइश के बाद से लेकर 2 साल की उम्र तक के बच्चों को एक अलग स्टेज में जो है वो डिवाइड किया जाता है. 2 साल से लेकर 4 साल की उम्र को अलग, 4 से 7 और फिर 7 से 10 साल के बच्चों की उम्र को. अच्छा अब अगर हम एज ए पेरेंट देखें तो नॉर्मली यही होता है कि पैदाइश के बाद से लेकर 2 साल तक की उम्र तक के बच्चों में मोस्टली उनमें जो फिज़िकल चेंजेस आ रही होती हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है, क्योंकि पेरेंट्स देख रहे होते हैं कि बच्चे फिज़िकली ग्रो कर रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो है उसमें ना बच्चों का चलना है, पहली दफ़ा चलना है, उनका कोई चीज़ पकड़ना है, उनका खाना है, तो मतलब फिज़िकली जो भी चीज़ें उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है. और उसके बाद 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों में जब हम देखें तब बच्चे अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, तब पेरेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं कि बच्चों के अंदर जो है वो फिज़िकल के साथ साथ जो है वो मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रही है, सोशल कॉन्टैक्ट उनका इंक्रीज़ हो रहा है. तो फिर ये देखने की बात होती है कि बच्चे जो है वो किस तरह रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सामने दुनिया बहुत बढ़िया सवाल बड़ा सवालिया निशान होती है और उस बच्चे को उसके आंसर्स चाहिए होते हैं. आपकी बात काटूंगी, एक कॉलर हमारे साथ शामिल है, हम कॉल ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो वालेकुम अस्सलाम. मुझे आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली आप बच्चे के डेवलपमेंट से मुताल्लिक बात कर रही थी, तो मैं अपने बच्चे का एक इशू आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शायद आपको हमें कुछ सजेशन दे सके. मेरी 11 साल की बच्ची है, मैंने फील किया है कि समटाइम अगर मैं उसको कोई बात या कोई इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो वो उसको इतना वैल्यू नहीं देती है, लेकिन वही सेम बात जब वो किसी अपनी फ्रेंड से सुनकर आती है या अपनी स्कूल की किसी टीचर से सुनकर आती है तो फिर वो उसको बहुत फॉलो करती है. एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताऊं कि मैंने उसको बोला कि तुम डेली बेसिस पे मल्टीविटामिन ले लिया करो, लेकिन कई दफ़ा मैं रिमाइंड कराती रही वो इग्नोर कर देती नहीं लेती, लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने नोट किया कि वो खुद से मल्टीविटामिन खा रही है. मैंने बोला मैंने ऐसे मजाक में बोला वो आज तो आपको से ले रही है, कहले कि वो मेरी एक फ्रेंड है ना उसने बताया कि मैं भी ये वेल किट के मैं मल्टीविटामिन खाती हूँ तुम भी खाया करो, तो इसलिए मैंने उसको स्टार्ट कर दिया खाना. तो ये एक छोटे से एग्जांपल है, तो इसी तरह की कुछ और भी एग्जांपल सामने आती है. बिल्कुल, तो वो मैं मालूम करना चाहती आपके कॉल करने का, आपकी बात जो है वो समझ आ गई है कि
पेरेंट्स से ना समझना और दूसरों से समझ लेना, वैसे एक बहुत क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत कॉमन इशू है ये कि पेरेंट्स के बच्चे नहीं सुनते हैं, लेकिन वही बात अगर उनको उनकी टीचर बता दे या किसी फ्रेंड से वो सुन लें तो वो उसको अमल करते हैं. बहुत जगहों पे जो मैंने नोटिस किया है पर्सनली, वो ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड कर देते हैं बच्चों को, कि हमने किसी भी एक चीज़ के लिए उनको राज़ी करना है तो अक्सर हम उनको इतना ज़्यादा उस चीज़ को बताते हैं कि वो बच्चे फेड अप हो जाते हैं उस चीज़ से. दूसरी एक चीज़ ये है कि एक टर्म है जिसको कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि हमने बच्चे को अगर कोई चीज़ उनसे करवानी है तो उसको करके दिखा दें. ठीक है, अगर मैंने अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स खिलाने हैं तो मैं उसके सामने खुद भी खा लूँ. ठीक है, तो बच्चा जब देखेगा कि मेरे पेरेंट्स भी खा रहे हैं और इसका ये फ़ायदा है, आपकी बच्ची माशाल्लाह 11 इयर्स की है, वो समझती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, तो उसके फायदे उसको बताएं और उसको देखें मम्मी भी खा रही हैं, पापा भी खा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल मारिया. उमैमा, आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है कि कभी कभी ये भी अच्छी चीज़ होती है कि वही चीज़ अगर कोई दूसरा सिखा रहा है तो हम इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं. जी, मुझे तो काफ़ी ये मतलब मसला भी दरपेश होता है, क्योंकि मेरी भी बेटी माशाल्लाह 13 इयर्स की है और वो भी, और मुझे ये बात बहुत जहन में रखना ज़रूरी है कि बच्चे इस एज में एक ख़ास स्टेज से गुजर चुके होते हैं ना, टीनेजर्स बनने होते हैं, तो वो आपको तो वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके जो आस पास की जो वर्ल्ड है ना वो भी उनको इन्फ्लुएंस कर रही है. जी. तो आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स, ये बात ना बहुत जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि वो भी आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. और ये कि मतलब हम तो ये कोशिश करें कि भाई जैसे आपने कहा, उन्होंने खातून ने कहा कि भाई उसकी दोस्त कहती है कि मैं खा रही हूँ ना, तो इट इज़ अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस. तो एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग इट, मतलब जिस तरह से भी आपको वो चीज़ मिल रही है. जी. तो बल्कि एक चीज़ ये भी है कि जैसे अगर आपको कोई अच्छा काम करवाना है तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते भी हैं और साथ में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि मैं किसी और से कह देती हूँ कि वही चीज़ जो है वो मेरे बच्चे को बता दे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इसको इसके बारे में ना बहुत ज़्यादा मम्मी को ये एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा ना सोचें. और इंशाल्लाह मतलब अभी नहीं तो मतलब मे बी 10 डाउन द लाइन वो ये बात सोचेगी ज़रूर कि मेरी अम्मी ने मुझे कहा इसलिए मेरी सेहत बेहतर है ना. आपकी तरबियत का मतलब चलें उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस आ रहा है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस अपनी जगह बरकरार है. और इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ये तो डिफरेंट मीडियम ऑफ लर्निंग है जिससे बच्चा डिफरेंट मीडियम से लर्न कर रहा है. कभी और हर तरफ से करेगा, कभी कभी सिर्फ हम नहीं होते बल्कि बहुत सारे लोग और शामिल हो जाते हैं. और डेवलपमेंट की स्टेजेस के हवाले से आप कुछ बात शेयर करें. बिल्कुल, मैं डेवलपमेंट की स्टेजेस के हवाले से बात कर रही थी कि बच्चे के अंदर जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही होती है. फिर पेरेंट्स उस वक्त जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं 2 साल से 4 साल की उम्र तक और ऑनवर्ड करते जाते हैं कि बच्चे में बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, शुरू हो जाती हैं, बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और वो उसके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी का जो है वो होना शुरू हो जाता है. क्योंकि आपका घर का इन्वायरमेंट जो होता है वो तो एक तरह से आप समझ लें कि शायद कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, लेकिन जब बच्चा घर से बाहर जा रहा है तो वहाँ से क्या सीख के आ रहा है, क्या लर्न करके आ रहा है. फिर उस स्टेज के ऊपर जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपने बच्चे के इशूज़ को जो है वो किस तरीके से एड्रेस करना है. क्योंकि जो नॉर्मल इशूज़ हैं, बिहेवियर इशूज़ हैं, वो हर बच्चे के जो है वो ज़िंदगी में आते हैं, हर बच्चा उन स्टेज से गुजरता है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है वो ये कि उनके इश्यूज को एड्रेस किस तरीके से किया गया है. और मैंने देखा है कि जिन बच्चों में बहुत टाइमली और बहुत जल्दी जो है वो इश्यूज को एड्रेस कर लिया जाता है वो ज़्यादा अच्छा बच्चे जो है वो आगे नेक्स्ट प्रोग्रेस की तरफ जो है वो जल्दी चला जाता है. अच्छा, एक मेरे जहन में सवाल है कि बच्चा है एक और वो उसके और भी बहन भाई हैं और वो ये फील करता है कि स्लो लर्नर है फॉर एग्जांपल वो, या कुछ उसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो अपने बहन भाइयों की तरह से वो कॉन्फिडेंस शो नहीं कर पाता. वो अपने दिल में चाहता है कि वो लर्न करे, लेकिन उसके लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि 8th ग्रेड उसका एक कंपटीशन है. तो पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उनकी ये डिमांड है कि नहीं तुमने भी ये करना है, यू हैव टू डू इट क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं. तो क्या बच्चे की नफ्सियात पर असर पड़ सकता है? बच्चा जाहिर है अपने आप को, आप इस सवाल का जवाब दोबारा भी दें. एक कॉलर हमारे साथ शामिल हैं. सॉरी उमैमा, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मेरा बेटा है वो 10 ईयर ओल्ड है, उसको खेलने का बहुत शौक है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा, लेकिन इधर के वेदर के हिसाब से जब वो बाहर खेलता है गर्मियों में तो मेरा हर कहना मानेगा, टाइम पे पढ़ता है, टाइम पे उठता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, लेकिन जब ये वेदर शुरू हो गया तो उसका मूड इतना अपसेट होता है. जब वो स्कूल से आता है
चीखता है, कहना नहीं मानता, दरवाजे को जोर से कभी मार देता, मैं फिर भी कुछ नहीं कहती। मुझे पता होता है कि ये जब तक ये बाहर नहीं खेलेगा, इसको सुकून, बहन भाइयों से लड़ाई करता है, थोड़ी सी रीडिंग करेगा, फिर बैठ जाएगा, टीवी देखेगा, फिर बंद कर देगा, फिर वो जैसे बड़ा अपसेट सा, परेशान सा रहता है जब तक वो बाहर ना खेले। फुटबॉल हम बात करते हैं, ये जो है वो कुछ कुछ पिक्चर्स मुझे भी नज़र आ रही हैं कि हमारे यहाँ भी कुछ होते हैं ऐसे सीन जब ऐसा वेदर शुरू होता है, क्योंकि बाहर इतना टाइम नहीं मिल रहा, क्या बहुत परेशानी की बात है, क्या करना चाहिए? एक तो ये कि ज़ाहिर सनलाइट का ना होना, मौसम का ख़राब होना हमारे ऊपर देखें एज एडल्ट भी इम्पेक्ट आता है जी, ठीक है ना। और ये बाकायदा एक इसको डिप्रेशन ड्यू टू वेदर भी, इसका एक टर्म स्पेशली यूज़ होती है, अभी मेरे जहन में नहीं है लेकिन वो चीज़ यूज़ होती है। ज़ाहिर अफेक्ट हर कोई इससे अफेक्ट होता है ना। और ज़ाहिर एज अ जैसा उन्होंने कहा कि लड़का है तो उसकी फिजिकल एनर्जी को कहीं निकलना है, ठीक है ना। अब अगर उसको जैसे वो खातून कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िकल एक्टिव होता है वो, तो अगर वो चीज़ उसकी कम हो रही है तो वो उसको किसी तरह निकालेगा ना। तो हो सकता है कभी वो जैसे दरवाज़ा ज़ोर से मतलब मार दे या अपने बहन भाइयों से लड़ाई करें, तो अगर कोशिश की जा सकती है, अगर माम कोशिश करें कि उसको किसी ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ इंडोर्स भी लोग प्ले करते हैं ना, इंडोर क्लब होते हैं, आफ्टर स्कूल क्लब्स होते हैं, तो उसकी वो एनर्जी को शिफ्ट करने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे आप, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? ये तो बड़े बच्चों की बात है, छोटे बच्चों के हवाले से हम क्या कर सकते हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो कहीं कहीं निकलती रहे, कहीं ना कहीं और इंगेज रहें वो? मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा आइडियाज़ होने चाहिए कि हम अपने बच्चों को कहाँ कहाँ जो है वो एंगेज रख सकते हैं, क्योंकि स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों में देखें, दो से चार साल की उम्र तक के बच्चों में देखें, तो उनको हर 10 या 15 मिनट के बाद एक नई एक्टिविटी चाहिए करने के लिए, और जब उनको वो एक्टिविटी नहीं चाहिए होती तो यकीनन वो या तो पेरेंट्स को तंग कर रहे होते हैं या आपस में बहन भाई जो है वो आपस में जो है वो लड़ रहे होते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ लेनी चाहिए। बिल्कुल, और हम कंपैरिजन के ऊपर बात कर रहे थे कि जो कंपैरिजन होता है इससे क्या नुकसान होते हैं? कंपैरिजन से बच्चा लॉन्ग टर्म में उसके ज़रिए कॉन्फिडेंस लेवल पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा, उसको हमेशा लगेगा कि वो कुछ नहीं अचीव कर सकता है जी, ठीक है ना। और उसकी अपनी लाइफ में आगे जाके उसके रिलेशनशिप बिल्डिंग में उसको लगेगा मैं अंडर अचीवर हूँ, मैं कुछ नहीं अचीव कर सकता हूँ ना। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। कैसे पेशेंस रखें पेरेंट्स अपने आप पे कि वो चाह रहे हैं बच्चा जो है वो इस लेवल पर पहुंच जाए, बच्चा जो है वो बिल्कुल नीचे है, क्या करें वो? एक तो सबसे पहले मुझे लगता है ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए कि हर बच्चा डिफरेंट है जी। अगर एक बच्चा कहीं पे अंडर अचीवर है तो एक जगह वो परफॉर्म कर रहा होगा, मतलब वो चीज़ अब आपके पास इतना आपकी हिकमत हो और आपके जहन में इतने जैसे होता है ना ऑप्शंस खुले हुए हों कि आप उसको ये जज कर सकें कि मेरा बच्चा कहाँ पे बेस्ट है ना। मेरी अपने घर की ये मिसाल है कि मेरी एक बेटी जो है वो बहुत अच्छी है पढ़ाई में और उसका फोकस रहता है पढ़ाई की तरफ ना, लेकिन जो मेरी छोटी वाली है उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है निटिंग करने का और जैसे क्राफ्ट्स बनाने का, तो ये मुझे भी थोड़ा इस सेटल करने में इसको टाइम लगा है, लेकिन अब मैंने ये चीज़ एडमिट कर ली है कि वो दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और उनका कभी भी कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बिल्कुल, मुकाबला नहीं हो सकता पेरेंट्स में जी। बिल्कुल, मैं भी कंटिन्यू करूँगी और मैं एग्री करूँगी मामा की इस बात से कि जब हम बीइंग ए पेरेंट इस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट नेचर लेकर पैदा हुआ है, उसमें डिफरेंट सलाहियतें हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है हमें अपने बच्चों को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने में या उनको समझाने में कि आप डिफरेंट हैं और आपके अंदर डिफरेंट सलाहियतें हैं। बिल्कुल मारिया, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ है और हम जो है ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और बात करेंगे कि बच्चों के डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं उनके डेवलपमेंट की, और एज के लिहाज से हम स्टेज को कैसे देख सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों की, और अपने इर्द गिर्द जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों की हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने से जो है वो इर्द गिर्द यकीनन बेहतरी आएगी, और अगर बच्चों से इस हेल्प के ज़रिए से रिलेशनशिप बेहतर हो जाए तो इससे ही अच्छी क्या बात हो सकती है। चलते हैं ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर हम जो है बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस क्या हो सकते हैं और एज के अकॉर्डिंगली क्या डेवलपमेंट के प्रोसेस हो सकता है। हम इंशाल्लाह यहाँ पर बात करते जा रहे हैं, आपकी कॉल्स भी साथ शामिल होती जा रही हैं। हमारे पार्टिसिपेंट्स ये बात करें कि पेरेंट्स जो है वो किस तरीक़े से अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि बच्चे उनके बेहतरीन तरीक़े से उनकी नशोनुमा हो, बच्चे कॉन्फिडेंट बने और बच्चों के अंदर कोई फेयर ना हो, बच्चों के अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो और बच्चे दिल के अंदर अपने परेशानी महसूस ना करें कि पेरेंट्स को हमसे जो है वो इन अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। इन सारी चीज़ों के लिए हम बच्चों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, इस पर बात जारी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जो है हमारी ऑनलाइन गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर कमल कैसर साहिबा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से जो है मुख्तलिफ जगहों पर लेक्चर्स भी देती हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी करती हैं। ये पेरेंट्स के साथ इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और पेरेंट्स इनसे अपने प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। हम आज इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। जी डॉक्टर कमल कैसर, एक और सवाल है आज हमारे पास आपके लिए और वो सवाल ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कामयाबियाँ, काफ़ी अचीवमेंट्स उनकी होती हैं और ख़ुद जो हैं वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, साथ में सोशली भी बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन बच्चे उनके स्लो लर्नर्स होते हैं या बच्चे जो हैं उनके बड़े शाये होते हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है और एक बेचैनी सी होती है, क्या कहना चाहिए पेरेंट्स को इसमें? ना ये इस तरह के केसेस काफी आते हैं और मैंने देखा है कि जैसे जैसे सोसाइटी चाह रही है कि जी हम बहुत कॉन्फिडेंट हों और बहुत बोल्ड हों, तो ये वाली कंसर्न पेरेंट्स के बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको लगता है कि जी आप तो बहुत सोशल हैं और बहुत सोशली एक्टिव हैं और आपके बच्चे नहीं है, तो सबसे पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई करना है कि आया वो शाय बच्चा है या वो स्लो लर्नर है। तो आपने उसमें क्या देखना होता है कि उसकी एजुकेशनल प्रोग्रेस कैसी है, यानी स्कूल में या कॉलेज में या जहाँ पे भी वो या काम कर रहा है तो वहाँ पे उसकी प्रोग्रेस कैसी है, पढ़ाई में कैसा जा रहा है ना। अगर लगता है कि जी उसकी स्कोरिंग नंबरिंग अच्छी आ जाती है तो दैट मीन्स के बहुत ज्यादा आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे के कोई हिडन टैलेंट ढूंढे, हो सकता है कि पेरेंट्स की एक स्ट्रेंथ हो और वो चाह रहे हो कि बच्चे की भी वही खसूसियत हो लेकिन बच्चे के अंदर कोई और टैलेंट हो। फिर इसके अलावा ये होता है कि ऐसे बच्चे को आप ग्रेजुअली सिखाते हैं, यानी कि लेक्चर देने से, पुश करने से कि जाओ सबके साथ दरमियान में बैठो, बात करो, आप बच्चे को नहीं कर सकते। उसका तरीका होता है कि आपने आइडेंटिफाई करनी होती है कि आपका बच्चा कहाँ पे बिल्कुल कंफर्टेबल है कोई ना कोई कजन्स है, फ्रेंड्स है, कोई इनर सर्कल होता है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ बच्चा बड़ा कंफर्टेबल है, आराम से खेलता है, लेकिन जब वो आउटर सर्कल में किसी और शख्स से मिलता है जो अननोन है ना, वहां पे वो शाय हो जाता है। तो अब आप ग्रेजुअली उसको आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के साथ डील करना सिखाते हैं बहुत कंफर्टेबल अंदाज से, उसको हाईलाइट किए बगैर। एक और चीज जो आइडेंटिफाई करनी होती है कि कहीं आपके बच्चे की लो सेल्फ एस्टीम तो नहीं है, क्योंकि वही बात है कि जब पेरेंट बहुत सोशल है, बहुत सक्सेसफुल है, तो वो कई दफा इतना कंपेरिजन कर रहे होते हैं या बच्चों को पुश कर रहे होते हैं, तो बच्चे जो है ना दे स्टार्ट थिंकिंग कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, बड़े डायनेमिक हैं, या मेरे बहन भाई बहुत डायनेमिक हैं और मैं अच्छा नहीं हूँ। तो इस चीज पे आपको ये जैसे कहते हैं रेड फ्लैग वार्निंग एरिया होना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि हम गलत फैसला ना करें। अब अगर शायद बच्चा नहीं है और आपको लग रहा है कि स्लो लर्नर है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको थोड़ी सी उसकी असेसमेंट करवा लेनी चाहिए कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं एजुकेशनल के, मेरे बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। अच्छा, फिर ये कि अगर आपने असेसमेंट करवाई है, अगर तो लर्निंग डिसेबिलिटी है तो वो आपको गाइड कर देंगे, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है, वैसे बाय लार्ज बच्चा जरा स्लो है, उसका तरीका ये होता है कि उसको ना ग्रेजुअली आप बिल्ड करते हैं, उसका स्टेमिना बिल्ड करते हैं, उसको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट सिखाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चों में जो शाये हो या स्लो लर्नर हो, ये आजकल की नई टर्मिनोलॉजी है, कुछ सालों से इसके ऊपर काम काफी हुआ है लेकिन आम पब्लिक को इतना नहीं पता, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव स्किल। और ये हमारे ना फ्रंटल लोब में दिमाग के ना ये डेवलप होते हैं चाइल्डहुड से, अभी ये पड़े होते हैं वहां पर, अल्लाह ताला ने इनको रखा हुआ होता है लेकिन ये ग्रूम नहीं होते, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलप होते हैं, ये तकरीबन 10-11 स्किल्स होते हैं, इनके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसमें आप बच्चों को प्लानिंग भी सिखाते हैं, बिहेवियर कंट्रोल करना सिखाते हैं, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, इमोशनल जो लेवल की चीजें हैं वो सही तरीके से सिखाते हैं, टास्क में अटेंशन कैसे पे की जाती है वो सिखाते हैं, टास्क को इनिशिएट कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं।
ये घरों में भी सिखाया जा सकता है और ये इंस्टीट्यूशन में भी सिखाया जाता है. तो ये सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर काम करने की ऐसे पेरेंट्स को जरूरत है. जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल कैसर साहिबा, आपने जो जवाब दिया यकीनन बहुत सारे पेरेंट्स को इससे अपने सवालात का जवाब भी मिला होगा और एक मोटिवेशन भी मिलती है आपके जवाबात से. बहुत जजाकअल्लाह. बात जो इन्होंने की इससे हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि बच्चों को जब हम इनएप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस होती हैं या हम स्टेजेस और एज को समझे बगैर जब चाह रहे होते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी से जो है उनकी डेवलपमेंट हो, बच्चों की फीलिंग्स क्या हो रही होती हैं उस टाइम पर. जी बच्चे यूजुअली अगर ज़ाहिर है आपने उनको एक ऐसा टास्क दिया है जो अचीवेबल ही नहीं है उनकी एज के हिसाब से, तो जैसा डॉक्टर कंवल ने कहा कि आप एक तो सोलो सेल्फ इस्टीम बच्चे की डेवलप हो रही है ना उसकी वजह से, और बच्चे में दो तरह के बिहेवियर हो सकते हैं, या तो वो अंडर कॉन्फिडेंट हो सकता है जैसे वो कहेगा आई एम नॉट गुड एनफ के टू डू एनीथिंग एट ऑल ना, बिल्कुल मतलब हो जाएगा, या जो है ये भी हो सकता है कि वो जो है वो रिबेलियस हो जाए और अपने हालात से जैसे आप कहें कि वो उन उन सब चीज़ों को वो जो जैसी जो भी पॉजिटिव तरबियत है उसको भी वो डिनाई करें ना, ठीक है ना, और उसका एक्सट्रीम का बिहेवियर हो जाए. बहुत वर्स्ट के सिनेरियोस में तो ये भी होता है कि बच्चे वो लेवल ऑफ कंफर्ट और जो है मतलब जैसे अप्रूवल वो किसी और चीज़ में तलाश करते हैं. और फिर ये होता है कि जैसे हम कहानियाँ सुनते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की, ठीक है ना, या किसी बच्चा कोई ड्रग में इन्वॉल्व हो गया है, तो जब हर जगह से आपको डिनायल मिल रहा है तो आप फिर जाहिर है उस चीज़ तरफ जाएंगे ना जो आपको कम्फर्ट दे रही है. बिल्कुल. उमेमा एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी जी मैं बस कहना चाहती हूँ जो बच्चे छोटे होते हैं ना वो नज़र से काम करते हैं तो फिर उनको डेवलपमेंट जो देखते हैं ना वो उनको असर पड़ता है. तो माँ बाप को वक्त देना चाहिए और डेवलपमेंट उनको सिखाना अखलाकी सिखाना चाहिए क्योंकि वो पिकअप कर रहे हैं जो पहले साल में जो यंग हैं, जो बाद में जो ग्रोथ डेवलप होंगे वो बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट साल हैं जो बिगिनिंग टिल अप टू 7 आई थिंक, जो पहले जो देखता है ना बच्चा वो पिकअप बहुत करता था. ईटिंग हैबिट्स भी दुरुस्त होने चाहिए क्योंकि हेल्थी ईटिंग अल्लाह ताला कहा यू नो देसी खाना खाएं, देसी बच्चे को खुराक खाएं, दूध दें नेचुरल. बिल्कुल बहुत शुक्रिया कॉल करने का. क्या चल रहा होता है बच्चों के दिमागों में, ये जो बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए जिसमें बच्चे 6 साल से लेकर ये जो 10 साल तक की एज होती है बच्चे बड़ा चेंज हो रहे होते हैं जल्दी जल्दी, क्या चल रहा होता है उनके दिमाग में और कैसे पेरेंट्स जो हैं हेल्प कर सकते हैं हमारे यहाँ. मुझे ये लगता है कि हर बच्चे को जो क्वेश्चंस उसके माइंड में होते हैं उसका आंसर चाहिए होता है और बीइंग ए पेरेंट हमें प्रिपेयर होना चाहिए उन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए, क्योंकि अगर हम बीइंग ए पेरेंट उनको आंसर नहीं देंगे तो फिर ये सोसाइटी उनको आंसर देगी और फिर अक्सर जो है वो पेरेंट्स बाद में परेशान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे ने ये लर्न कर लिया, वो लर्न कर लिया, वो इस वजह से लर्न कर लिया क्योंकि उनके बीच में एक गैप रह गया था जो हमने बीइंग ए पेरेंट फिल नहीं किया तो वो सोसाइटी ने फिल कर दिया. तो इस वजह से बच्चों की फीलिंग्स के लिहाज से तो हम ये देखें, आज साइंस हमें ये बात बताती है कि एक एडल्ट जो है वो जितनी फीलिंग्स और इमोशंस रखता है एक बच्चा उससे 100 टाइम्स ज़्यादा इमोशनल होता है और उसको कोई भी चीज़ जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो फील होती है. तो बस इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि अगर हमें किस चीज़ से दुख हो रहा है या कोई हमें बुली कर रहा है, हमें कोई हमारी किसी बात को जो है वो रद्द कर रहा है तो बच्चा उससे 100 टाइम्स ज़्यादा फील कर रहा है, फील कर सकता है. हमारे एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. आप प्लीज आप जो है वो हमारा टाइम खत्म हुआ चाहता है, आप मुख्तसर बात कीजिए. जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर आयद हो गई है और हमें उस जिम्मेदारी को महसूस करना चाहिए और बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए कि हमने किस तरह बच्चे की डेवलपमेंट करनी है और दुनियावी जो तालीम है उसके साथ साथ उसकी अखलाकी तालीम, उसकी मजहबी तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए ताकि वो एक अच्छे किरदार का मालिक बने और इसकी हेल्थी उसको इन्वायरमेंट दें, हेल्थी खाना दें उसकी हेल्थ के लिहाज से भी, क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म उसके ऊपर अफेक्ट करता है और ये सारी चीजें जो है और इस तरह के माहौल जो बच्चों को डिप्रेस करते हैं या बच्चों के माइंड पर बुरे असरात छोड़ते हैं उन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए और बच्चों को भी दूर रखना चाहिए. मुश्किल होता है, बात करना आसान होता है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जब बच्चा
हमने पैदा किया है, तो उसके बाद हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह बहुत बहुत आपके कॉल करने का, बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही। सीरत पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं। और आज इस टॉपिक के हवाले से पढ़ते हुए मैं यही सोच रही थी कि जितनी बेस्ट एग्जांपल्स हमें मिलती हैं आपसे सल्लम की सीरत से, कि उनका बच्चों से रवैया क्या था, और यानी इतनी मसरूफियत, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे मिशंस, और एक विजन ओरिएंटेड इंसान, उसकी ज़िंदगी में बच्चों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। कि बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं उनकी ज़िंदगी के वाक़यात में कि उनके अपने नवासे जो हैं वो नमाज के टाइम पर उनकी बैक पर आके सवार हो जाते थे और उनको वो हटाते नहीं थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो बड़े प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की हम बात करें, पेरेंट्स जब उनके साथ घरों में होते हैं और बड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जाहिर सी बात है, ज़िम्मेदारी से, एक पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें नज़रों से उझल हो जाती हैं। कुछ और अगर आप लोग पेरेंट्स से शेयर करना चाहें कि बच्चों के दिमाग की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही होती है, हमारे रवैये उन पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ का इजाफा करना चाहती हूँ जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल रही है। तो मैं चाहती हूँ कि मोस्टली जो है वो लोगों को या पेरेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता होता, वो ये जिस तरह हम ये टर्म यूज़ करते हैं ना कि कोई भी बच्चा स्लो लर्नर है, ये चीज़ देर से लर्न कर रहा है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो हमें ये बताती है कि नो चाइल्ड इज़ बॉर्न विद ए लर्निंग डिफ़िकल्टी, एक्चुअली वी डोंट हैव टीचिंग डिफ़िकल्टीज, वी हैव टीचिंग डिफ़िकल्टीज़। सो चार चीज़ें होती हैं हमें वो देखनी होती हैं, या तो हमारा बच्चा विजुअल होगा या ऑडिटरी होगा, या रीडिंग सेंस उसमें ज़्यादा होगी या फिर किनेस्थेटिक सेंस उसमें ज़्यादा होगी। तो हमें सबसे पहले अगर हम ये फील करते हैं या हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि हमारा बच्चा जो है वो स्लो लर्नर है, तो हमने ये देखना है नेक्स्ट स्टेप में कि कौन सी उसकी सेंस जो है वो ज़्यादा एक्टिव काम कर रही है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी विजुअल सेंस ज़्यादा अच्छी काम कर रही होती है, लेकिन हम उनको मुसलसल ऑडिटरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं जो कि उनके लिए काम नहीं कर रही होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को थोड़ा सा जो है वो पेरेंट्स को संभल के चलना चाहिए, और लाइक उनको पर्सनल जो डेवलपमेंट है ना उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट जो है वो पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता जब तक कि खुद हम पेरेंट नहीं बनते हैं। तो पेरेंटिंग जो है वो अब तो आजकल की सोसाइटी में मतलब एज ए सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाया जा रहा है, इसके डिफरेंट कोर्सेज जो है वो, और उसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है पेरेंटिंग के पीछे। तो मम्स को कभी भी जो है वो ना होप लूज नहीं करना चाहिए, और हमेशा मोटिवेशनल रहना चाहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनको हम हेल्प नहीं करेंगे तो कोई भी और नहीं है ऐसा है कि जो उनको हेल्प आउट कर सकता है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम ये बात करना चाहें कि जो अनहेल्पफुल कुछ रवैये होते हैं पेरेंट्स के, जिसको वो एक्सपीरियंस करके आए होते हैं, जिसके मुताबिक उनको लगता है कि अगर हमने इस तरीक़े को आजमाया तो यकीनन हमारे बच्चे बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सकते हैं, उनके क्या नुकसान हैं? ये एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि रिस्क लेना बिल्कुल आप छोड़ देते हैं ना। जी ठीक है ना, किसी भी चीज़ को एवेल्यूएट कर इतना आप सोचते हैं उस चीज़ के बारे में कि मैं मतलब अंडर अचीवर हूँ, मैं नहीं इसको अचीव कर सकता या कर सकती, तो आप ज़िंदगी में तो आगे बहुत सारे ऐसे मराहल आते हैं कि जिनमें आपको रिस्क लेना होता है। ठीक है, और वो अगर आप वो चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी मतलब आपको आपकी लाइफ में कैसे चेंज आएगा ना। तो जहाँ पर रिस्क लेने वाली चीज़ आती है या अपने कम्फर्ट जोन से आउट आप नहीं बिल्कुल भी वो बच्चा जा पाएगा ना, अपने कंफर्ट जोन से बहुत दफ़ा आपको उसको ब्रेक करके आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है ना। तो बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि हम कुछ ऐसी स्किल्स जो हैं या बच्चों की स्टेजेस जो होती हैं डेवलपमेंट की, उसकी कुछ लिस्ट, कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करें ताकि पेरेंट्स को और कुछ बातें समझ में आएँ कि यानी होता है ना, जैसे हम सोचते हैं कि कोई हमें बता दे कि हमारे बच्चे को इस एज में क्या कर लेना चाहिए, और थोड़े कन्फ्यूजन्स भी होती हैं इसके हवाले से। मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने जो कुछ रिसर्च की है इसके हवाले से अगर आप शेयर करना चाहें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई एक बच्चा पैदा होता है वो एक ब्रेन के साथ पैदा होता है, माइंड जो है वो बाद में उसका जो है वो बनना शुरू होता है, या उसमें जो चीज़ें हैं वो बाद में कोड होना शुरू होती हैं। और सबसे आज साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताती है कि सबसे पहला जो चीज़ बच्चे के अंदर डिवेलप होती है वो आवाज़ से डर जो है, फियर उसके अंदर जो डेवलप होता है वो ऊंची आवाज़ का शोर जो है वो डेवलप होता है। सेकंड फियर जो है वो बच्चे के अंदर जो डेवलप होता है वो गिर जाने का फियर जो है वो डेवलप होता है। तो ये सारे फियर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे के साथ जो है वो डेवलप होते हैं, लेकिन बाय द टाइम पेरेंट्स जो है वो इनको ओवरकम भी कर लेते हैं। और कुछ फियर्स ऐसे हैं कि जो खुद से पेरेंट्स इंड्यूस्ड फियर्स भी होते हैं।
तो यहाँ पे पेरेंट्स को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अपने बच्चों को कम से कम जो है वो डरा के रखें. एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ फियर इंसान के लिए जो है वो उसका इंसान का फ्रेंड भी होता है. लाइक फियर अगर हमारे अंदर ना हो तो शायद हम बगैर दाएं बाएं देखे रोड क्रॉस कर जाएं, शायद हम बहुत ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दें. तो फियर एक हद तक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर फियर नहीं कर देना चाहिए. और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों से बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे को टाइडिंग अप की जो है वो हैबिट उनमें डेवलप कर दिया तो वो हर वक्त उनको टाइडी अप रहना चाहिए अब. और अगर उनके अंदर हमने जो है वो डिसिप्लिन की एग्जैक्टली उनके अंदर हमने आदत कर दी है, इन्फ्यूज़ कर दिया, तो अब वो कहीं भी बाहर जाएंगे तो या किसी के घर जाएंगे या बाहर किसी सोसाइटी में मूव करेंगे तो वो हर जगह अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे. तो ये मुझे लगता है कि अनरियलिस्टिक में जो है वो ये चीज़ आ जाती है. जैसे मैं एक मसला आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने ऑब्जर्वेशन है ये मेरी कि मैंने एक बच्चे को देखा है कि जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड भी है और वेल बिहेव्ड भी है और हर तरह से जो है वो आइडियल बच्चा कहलाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह उसका ब्रॉटअप हुआ है उससे एक्सपेक्टेशंस भी थी और उसने पूरी भी की, लेकिन वही बच्चा एक जगह जब मैंने देखा तो वो थोड़ा सा मिसबिहेव कर रहा था या नॉर्मली जैसे बच्चे एक नेचुरली कुछ थोड़ा शो करते हैं कभी कभी, तो उसकी जो मदर हैं वो थोड़ी शॉक्ड हो गई कि उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा इस तरह से कर सकता है. तो क्या ये थोड़ी हमारी ही गलती नहीं है कि हम चाहते हैं कि बच्चे को जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी के अंदर फिट करें, और अगर वो ना फिट हो पा रहा हो तो हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. जी मुझे लगता है ये इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप आपको भी ना मतलब इतना ना वो कर लें, यानी अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा ना बढ़ा लें ना, परफेक्शन के हद तक आप चले जाएं कि आप चाह रहे हैं कि आप ख़ुद भी परफेक्ट हो और आपका बच्चा भी बिल्कुल उसी बॉक्स में फिट हो जाए ना. तो ये कि आप बिल्कुल रियलिस्टिक रहें, और कभी कभी होता है कि हमारा भी लो मूड होता है, हम भी नहीं चाहते कि घर टाइडी अप करें, ठीक है ना, और किसी से बात कर दिल नहीं चाहता, या आपका दिल चाहता है कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ जाएं बाहर और बगैर किसी रोक टोक के बहुत सारी चीज़ें करें जी. तो पूरा दिन आप शॉपिंग में गुजारें बगैर अपने मियाओं के रोक टोक के जी. तो ये सब चीज़ें जो है ना, हम बाउंड्रीज सेट करें जहाँ पे उस जगह बाउंड्री सेट करें जहाँ पे किसी और को नुकसान नहीं हो रहा हो या किसी की कोई पोजेशन को नुकसान नहीं हो रहा हो. अगर आपको लगे भाई बच्चा इतना वो हो रहा है, वायलेंट हो रहा है कि दूसरे शख्स को नुकसान हो रहा है या उसके घर को नुकसान हो रहा है, तो ज़रूर आप स्टेप इन करें. लेकिन उससे पहले उसको इंजॉय करने दें, अभी वो डेवलप कर रहा है तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, लर्निंग थ्रू प्ले. अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं, उसको उसकी डेवलपमेंट में ये चीज़ कमी रह जाएगी. बिल्कुल. ओपन माइंडेड कितना होना चाहिए पेरेंट्स को इसके लिए? ओपन माइंडेड मेरा ख्याल है कि अगर हम मुझे लगता है हर चीज़ में बैलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नेचर को भी देखें तो अल्लाह ने हर चीज़ में तवाज़ुन रखा है ना. और अगर हम फैमिली स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो नॉर्मली जो है वो दो तरह की फैमिलीज़ जो है वो सामने आती हैं, या तो बहुत ही क्योटिक फैमिलीज़ होती हैं जिसमें अनस्ट्रक्चर्ड होता है बिल्कुल सब कुछ, और फजी बिहेवियर्स होते हैं सबके, पेरेंट्स से लेके ग्रैंड पेरेंट्स से लेके बच्चों तक, सब में जो है वो एक ही चीज़ वो है कॉमन, क्योंकि एक दूसरे से जो है वो लर्न कर रहे होते हैं. और कुछ होती हैं जो बहुत स्ट्रक्चर्ड फैमिलीज होती हैं, वेल बिहेव्ड वेल मैनर्ड बच्चे, और उसमें वही बात है कि बच्चों से फिर एक्सपेक्टेशंस भी उसी तरह से हाई कर हो जाती हैं. मारिया एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. सब बहनों को बहुत बहुत सलाम पेश करती हूँ. वालेकुम अस्सलाम. जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद. आपको भी मुबारक. आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, आप बात करें. जी. और आपको ये अल्लाह ताला ने इतना प्यारा महीना और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वलादत का महीना है, अल्लाह ताला वो भी सबके लिए मुबारक करे और दिन में हजारों दुरूद सलाम भेजे हम लोग. तो बेटा ये भी होता है कि बाहर से हम बच्चों को कर लेते हैं, लेकिन किसी वक्त बच्चे की तबीयत अंदर से नसास होती है, या फिर कोई ऐसा वाकया बच्चे के साथ बाहर स्कूल में गुजर गया है, कुछ हुआ है, हम लोगों को पता नहीं चलता, किसी बहन भाई ने ऐसी बात उससे कह दी है, तो वो जो है कि चलो हो गया है ना बच्चा एक, तो उसको संभल के पूछना चाहिए, उसको रिलैक्स होने दें, करें बात करें, फिर वो कोशिश जानने की करें कि क्या बच्चे की क्या प्रॉब्लम है जिसने ऐसा किया, क्योंकि नॉर्मल हालात में बच्चा वो नहीं करता, लेकिन अक्सर देखें कि बाहर से फिर बच्चे हैपर होना शुरू हो जाते हैं, उसकी यही वजह होती है, कई बहन भाई कई स्कूलों में कई माँ से ही कुछ ना कुछ ऐसी थोड़ी सी बात हो जाती है
जो बच्चा जो है कि एहसास तबीयत का होता है वो महसूस कर लेता अपसेट हो जाता है। तो जी बाकी तो माशाल्लाह बहुत समझदार बहन है आप जी, बहुत तो बहुत शुक्रिया, आप कॉल करती रहिएगा हमारे प्रोग्राम में। और वाकई यही बात है कि हर जो है बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम कोई इशू भी हो सकता है सम टाइम कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वो सना मैं चाहूँगी कि हम आखिर में कुछ मज़ीद हेल्पफुल टिप्स शेयर कर सकें पेरेंट्स के साथ कि ये जो बच्चे मुख्तलिफ़ एजेस को क्रॉस कर रहे होते हैं और हमारे सामने छोटे से बच्चे होते हैं उंगली पकड़ के चलते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं, और वो जो उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि बच्चा अब इतना मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात नहीं सुन रहा और लोगों की बात सुन रहा, तो इन बच्चों की हम कैसे मदद करें? क्योंकि यही बच्चे होंगे जो आगे, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा रोशनी भी डालें और ये भी बताएँ कि हम क्या चाह रहे हैं बच्चों को बनाना, हमारा क्या विज़न है। जी मैम, हमारा तो ये विज़न है ज़ाहिर है कि हम बहैसियत एक तो मुसलमान उनकी अच्छी तरबियत करें और आगे वो सोसाइटी में अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकें ना एज अ गुड मुस्लिम। ज़ाहिर है वो हमें रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है। अच्छा, और इसमें ये कि सबसे बड़ी बात ये कि आप सपोर्टिव आपका रोल हो, ठीक है, हो जाता है समटाइम्स चैलेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जितने चैलेंजेस आए हैं आप देखें ना जब से आप छोटे थे और अब आप बड़े हो गए हैं, अगर आप अपने माँ बाप से पूछें तो बहुत सारे चैलेंजेस उन्होंने गुजारे हैं ना, तो रियलिस्टिक हों कि बच्चों के साथ भी चैलेंजेस आते हैं ना, हर लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती है ज़िंदगी की, ठीक है ना, एक तो ये चीज़ ज़रूर आप एडमिट कर लें, ठीक है ना, जितने चैलेंजेस आएंगे आप अल्लाह ताला ने आपको इस कैपेबिलिटी के साथ पैदा किया है कि आप उनको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बात तो कुरान में भी है कि आपके ऊपर उससे ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा जितना आप बर्दाश्त कर सकें। बहुत अच्छी बात कही उमैमा आपको। जी मारिया, आप आखिरी बात कोई करेंगी? क्या हेल्पफुल टिप्स हो सकती हैं? मैं बिल्कुल उमैमा की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमारा मकसद बच्चे को तरबियत देना या अच्छा इंसान बनाने का यही होता है कि हम एक सोसाइटी को एक अच्छा इंसान जिसकी अपनी कल को जाके सोसाइटी में एक अपनी पहचान होगी, वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेगा, तो हम उसको एम्पावर करें हर लिहाज से। और दूसरी बात यह कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नो मैटर आपका बच्चा किस स्टेज में है, चाहे वो टीन एज में पहुंच गया है फिर आपको कुछ उसमें बिहेवियरल चेंजेस नज़र आ रही हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहें क्योंकि जहां कोई मसला है हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो इस दुनिया में मौजूद है। और आप सिर्फ ये देखें कि अगर आपका, क्योंकि मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स इस तरह की हैं कि जिसमें मम्स जो हैं वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, हमें आके हकीकत नहीं बताते या एक दूसरे के ऊपर ब्लेम्स लगाते, तो उसमें आपको ये देखने की उस ज़रूरत है कि उस बच्चे का ये जो उसका बिहेवियर है ये पीछे से इंटरलिंक्ड है पेरेंट के किसी बिहेवियर के साथ, कि उस बच्चे ने जब कभी आके आपसे सच बोला होगा तो आपका रवैया उसमें कैसा था, आपने उस बच्चे को कैसा रिस्पॉन्स किया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें मेरा ख्याल है हमने की हैं और एक दूसरे से लर्न भी किया है, क्योंकि मुझे लगता है जब हम लोगों को बात बताने के लिए जाते हैं तो ख़ुद भी उसके अंदर काफ़ी लर्निंग लेसन्स होते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ पर आने का और हमने आज बात की है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी हम इसी टॉपिक में मज़ीद कुछ और डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आएँगे और बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे शो का तो टाइम ख़त्म हुआ है लेकिन पेरेंटिंग सीरीज़ का ये दूसरा शो था और नेक्स्ट प्रोग्राम जो है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से है, बच्चों के अंदर और पेरेंट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज जो हमने बात की थी वो यही बात की थी कि बच्चों की डिफरेंट एजेस के लिहाज से स्टेजेस होती हैं और वो एक दूसरे से मुख्तलिफ तरह से डेवलप होते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की तरह नहीं हो सकता, तो हम आपस में अगर हम पेरेंट हैं तो कंपैरिजन ना करें ना अपने बच्चों का दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग तबीयत और अलग मिजाज होता है। अगर हम वो तबीयत और मिजाज समझते हुए और उन एजेस को मद्देनज़र रखते हुए उन स्टेजेस को क्रॉस करते हुए बच्चों की हेल्प करते जाएंगे, उनका साथ देते जाएंगे, उनको सपोर्ट करते जाएंगे, उनको उनके अंदर मोटिवेशन उनको देंगे, तो यकीनन हमारे बच्चे अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान और अच्छे शहरी बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम दुआ करते जाएंगे, जैसे हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं हमेशा। अब हमारा ये प्रोग्राम देखते रहिएगा, पेरेंटिंग सीरीज़ है सिस्टर्स कैफ़े की। हमारे प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पर, हमारी वेबसाइट पर, आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं और आपके जहन में पेरेंटिंग के हवाले से और कौन से इशूज़ हैं जिनको हम यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होगा इस उम्मीद के साथ कि हम इंशाल्लाह यहाँ जो भी सोच पैदा करते हैं वो आप साथ लेके चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।